तो भैया आ चुका है वो दिन जिसका सबको इंतजार था। चार टीमें वो कौन सी होंगी, किसके बीच होने वाला है प्लेऑफ, ये सारी चीजें हो चुकी है क्लियर। अब जो भैया सबसे बड़ी बात है वो ये है कि दोस्तों जो कल जो मैच खेला जाना है, जो कि पहला क्वालिफायर है, उसमें खेला जाएगा CSK वर्सेस DC। तो क्या होने वाला है कल के मैच का रिजल्ट, और कौन सी टीम जाएगी जगह बनाएगी फाइनल में, और कौन सी टीम जाएगी क्वालिफायर 2 में एलिमिनेटर खेलने, तो ये सब बताऊंगा मैं इस वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो पूरी देख लो लास्ट, तुम्हें पता चल ही जाना है कि कौन जीतने वाला है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं कल के मैच की, जो कि खेला जाना है DC वर्सेस CSK। तो दोस्तों इस IPL 2021 में जब भी ये दोनों टीमें इस बार भिड़ी हैं दो बार, तो दोनों के नतीजे आप सबको पता ही है कि भैया DC ने दोनों ही बार ये कारनामा करके दिखाया कि CSK को है जो दोस्तों दोनों ही मैचों में पछाड़ दिया है। CSK में दोनों ही मैचों में हार का सामना करना पड़ा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव जरूर होगा CSK के ऊपर। वहीं DC के ऊपर एक थोड़ी मानसिक दबाव नहीं होगा, क्योंकि वो दो बार CSK को हरा के आ रहे हैं। इसी IPL की बात अगर मैं करूं तो उन्होंने दो बार उन्हें इजीली हरा दिया था दोस्तों, तो अभी इनकी भिड़ंत होने वाली है तीसरी बार इस IPL 2021 में। पर जो परिस्थिति होगी दोस्तों वो थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि वो था एक लीग मैच और एक ये है प्लेऑफ मैच, जहाँ पे थोड़ा मानसिक दबाव तो रहता ही है कि चलो भैया पहली बार क्वालिफायर खेल रहे हैं, दोनों टीमें इस बार भिड़ रही हैं, पहली बार भिड़ रही हैं क्वालिफायर में, तो थोड़ा एक दबाव रहता है। लीग मैच में थोड़ा दोस्तों एक होता है कि चलो जीत गए तो जीत गए, नहीं तो हार गए तो कोई भी इतना बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। पर यहाँ पर थोड़ा सा दबाव होने वाला है दोस्तों। वहीं बात कर लेंगे टीम की, तो DC की टीम में दोस्तों जहां तक मैं आपको बता दूं कोई भी चेंजेस देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि DC की जो प्लेइंग 11 है वो बहुत जबरदस्त चल रही है। हाँ, एक जो चेंजेस हो सकता है वो ये हो सकता है कि स्टीव स्मिथ को दोस्तों एक बार क्या पता मौका मिल जाए फर्स्ट डाउन, क्योंकि अभी तक DC जो है मात्र 3 फॉरन खिलाड़ियों के साथ खेल रही है, तो अभी तक वो चौथा को इतना मौका दिया नहीं है। कभी वो ललित यादव के साथ चले जाते हैं, कभी किसी के साथ चले जाते हैं, तो वहाँ पर वो एक थोड़ा सुधार कर सकते हैं कि स्टीव स्मिथ जो है थोड़ा सा जब भी कॉलेप्स कर जाता है टॉप ऑर्डर, तो मिडिल ऑर्डर को संभालने के लिए स्टीव स्मिथ एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, अगर जो ये बदलाव देखने को मिल सकता है। बाकी तो कोई बदलाव होने के चांसेस नहीं है। वहीं बात करेंगे CSK की, तो CSK भी अपनी प्लेइंग 11 के साथ ही खेल रही है दोस्तों, इसमें भी कोई चेंजेस होने को देख नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, वही टीम खेलेगी, कोई भी चेंजेस होंगे नहीं। मैच जो होगा दोस्तों जो अबूधाबी में होने वाला है, वहाँ की पिच आपको पता ही है, कल तो मुंबई के साथ आपने देखा ही है कि फ्लैट पिच मिली थी बैटिंग के लिए अच्छी, कल भी कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि इस बार रन्स आए नहीं हैं IPL में, तो क्या पता कल ऐसा कुछ हो, वो तो सर दोस्तों टाइम ही बताएगा। पिच का मिजाज जो फिलहाल ये कहता है कि भैया अगर फ्लैट पिच मिली तो हर टीम चाहेगी कि टॉस जीत के चेस किया जाए, क्योंकि चेस जो है इजी है, कल जब सारे 200 मार सकती है तो CSK और DC में क्या ही कहें। तो दोस्तों वही बात कर ली हम तुमने प्लेइंग 11 की पिच की, अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो दोस्तों जो मुझे लगता है दोस्तों कल भी DC एक बार फिर से दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस बार तीसरी बार जीत बना पाएगी, क्योंकि एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस का थोड़ा सा मुझे लगता है कि फ़र्क देखने को मिल सकता है कल के मैच में दोस्तों। तो मैं कल जो सपोर्ट करने वाला हूँ मैं कर रहा हूँ CSK को, आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो अब यहाँ तक आ चुके हो तो लाइक वीडियो को कर देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।